प्रिय शिक्षार्थियों, NIS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं रविकांत, सहायक प्राध्यापक शिक्षा विद्यापीठ दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय से हूं और आज पाठ्यक्रम कोड 510 के खंड एक इकाई एक के एक महत्वपूर्ण बिंदु वैज्ञानिक विधि के बारे में विवर्श के लिए उपस्थित हूं। तो आइए हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। वैज्ञानिक विधि क्या है? लुंडबर्ग के अनुसार वैज्ञानिक विधि व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण एवं आंकड़ों की व्याख्या से बनी है। इसका अर्थ यह है कि वैज्ञानिक विधि में हम व्यवस्थित अवलोकन करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण करते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। इसके अतिरिक्त वैज्ञानिक विधि परिकल्पनाओं का परीक्षण करने के लिए अवलोकन और सिद्धांत को जांचने की एक विधि है। यहाँ स्पष्ट है कि यहाँ हमको परिकल्पना बनानी है, उसका अवलोकन करना है और जिस सिद्धांत पर उस परिकल्पना का निर्माण किया गया है उसको हमें जांचना है। तो ये जो पूरी एक विधि है, पूरी वैज्ञानिक विधि है, इसी को हम एक वैज्ञानिक विधि कहते हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक विधि जो है परिकल्पनाओं का परीक्षण करती है। सामान्य शब्दों में ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वैज्ञानिक विधि उन प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो लोग अपने आसपास की दुनिया के बारे में ज्ञान इकट्ठा करने, ज्ञान को सुधारने और ज्ञान को प्राप्त करने के माध्यम से उपयोग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। मार्क ट्वेन, जो कि एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है पूरे विश्व के, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, मानना अच्छा है लेकिन पता लगाना बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि ठीक है, आप मानिए, अगर कोई पहले से स्थापित तथ्य है तो उसको मानिए, लेकिन बहुत अच्छा है कि आप उसको पहले जान लीजिए, यानी कि पहले जान लेने के बाद मानना जो है वो ही विज्ञान कहलाता है। अब हम ये देखेंगे कि वैज्ञानिक विधि के लाभ हमारे पास क्या क्या है। तो सबसे पहला जो लाभ है, इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसका अर्थ यह है कि हम इसको वैज्ञानिक विधि को प्रयोग करने के बाद हम दैनिक जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी क्रियाएं हैं, उन सबको वैज्ञानिक दृष्टि से देखते हैं। इस तरह से हमारे अंदर या हमारे शिक्षार्थियों के अंदर या हमारे छात्रों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। अगला जो इसका लाभ है वो है तार्किक चिंतन का विकास। इसका अर्थ यह है कि तर्कपूर्ण चिंतन करना, यानी कि कुछ सिद्धांतों पर आधारित चिंतन करना, जिसके पीछे तर्क उपस्थित होंगे, जिसके पीछे एक हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपस्थित होगा। इसके बाद जो तीसरा लाभ है वह है अवलोकन की क्षमता का विकास। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते समय हम अवलोकन करते हैं, हमारे छात्र या हमारे शिक्षार्थी अवलोकन करते हैं और अवलोकन करना एक बहुत ही सुव्यवस्थित कार्य है। इस तरह से इस वैज्ञानिक विधि के सहायता से अवलोकन की क्षमता का भी विकास होता है। जो अगला लाभ है वह है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति। विज्ञान को तो कहा ही जाता है कि एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो इस तरह से अगर हम वैज्ञानिक विधि को अपने प्रयोग में लाते हैं तो हम ज्ञान को व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त करते हैं। इसका जो अगला लाभ है वह है ज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। इस जो बिंदु का अर्थ है वो इस तरह से है कि आज भी हमें हमारे समाज में बहुत जगह अंधविश्वास और दूसरी इस तरीके की जो कुरीतियाँ हैं वो व्याप्त हैं, तो एक नकारात्मक दृष्टिकोण विज्ञान के प्रति रहता है। लेकिन अगर हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं हमारे शिक्षण में, हमारे दैनिक जीवन में, तो हम विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित कर पाते हैं, जिससे कि विज्ञान की सराहना, वैज्ञानिक आविष्कारों को हम निरंतर अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं और उनको सराह सकते हैं। इसका जो अगला लाभ है वह है निष्कर्षों तक पहुंचने की क्षमता का विकास करना। यानी कि अगर आप प्रारंभ से देखें तो हम तार्किक चिंतन कर रहे हैं, हम अवलोकन कर रहे हैं, हम ज्ञान को व्यवस्थित तरीके से उसको संजो रहे हैं और व्याख्या कर रहे हैं, तो अंततः हमको निष्कर्ष तक पहुंचने में सुविधा होगी। तो जिस तरीके से विज्ञान के हम सारे लाभों को अगर एक साथ देखें तो ये पूरे क्रम में व्यवस्थित हैं, जिसमें तार्किक चिंतन से लेकर निष्कर्षों तक पहुँचने की क्षमता का विकास बहुत ही आसानी से हो जाता है वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके। शिक्षार्थियों, अब हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि की विशेषताएं। कार्ल पियर्सन के अनुसार तथ्यों का सावधानीपूर्ण सही वर्गीकरण, उनके क्रम एवं सहसंबंधों का अवलोकन और सर्जनात्मक सोच एवं आत्म आलोचना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज को ही वैज्ञानिक विधि की विशेषताओं के रूप में कार्ल पियर्सन ने व्यवस्थित किया है, उसका उल्लेख किया है। शिक्षार्थियों, अब हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि के चरण। वैज्ञानिक विधि का जो सबसे पहला चरण है वह है समस्या को अनुभव करना, अर्थात
सबसे पहले हम कोई समस्या को अनुभव करें, वो समस्या क्या है, कहाँ है, कैसे है। वैज्ञानिक विधि के अगले चरण में हम देखेंगे समस्या को परिभाषित करना, यानी कि जो समस्या हमारे पास आ गई है, अब हम उस समस्या को व्यवहारिक रूप से परिभाषित करें कि क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं, वो समस्या क्यों है, कैसे है। वैज्ञानिक विधि का जो अगला चरण है वह है समस्या का विश्लेषण करना, यानी कि उस समस्या का जो कारण है या जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं हमारे सामने, हम उनको विश्लेषण करें। विश्लेषण का अर्थ होता है छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित करना, यानी कि समस्या से जो उत्पन्न परिस्थितियाँ हैं उनको विश्लेषित कर दें, उनको छोटे हिस्सों में तोड़ दें। अगला जो चरण है वह आंकड़ों को एकत्र करना। शिक्षार्थियों, इसका अर्थ यह है कि उस समस्या से संबंधित हमने उसको विश्लेषित कर लिया, विश्लेषित करने के बाद उससे संबंधित जितने भी आंकड़े हैं उन हम सबको एकत्र करना है, उन सारे आंकड़ों को एकत्र करना है। वैज्ञानिक विधि का जो अगला चरण है वह आंकड़ों का अर्थ निकालना। अभी जब चौथे पॉइंट पर हमने देखा वो एक जो आंकड़े थे वो व्यवस्थित नहीं थे, और अव्यवस्थित आंकड़ों से हम कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, कोई अर्थ नहीं निकाल सकते। इसलिए जो अगला बिंदु है वो है अर्थ निकालना, यानी कि व्यवस्थित रूप से उनको व्यवस्थित करने के बाद हम उसको आसानी से उसका अर्थ निकाल सकते हैं। वैज्ञानिक विधि का जो अगला चरण है वह है परिकल्पना का विकास। परिकल्पना का विकास जो हमने अभी पिछले चरण पर देखा, जो हमारे पास आंकड़े हैं उनके आधार पर होना चाहिए। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि जैसे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं हमारी परिकल्पना भी ठीक उसी तरह से विकसित होनी चाहिए। इसका जो अगला चरण है वह है सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन एवं परीक्षण। शिक्षार्थियों, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी एक समस्या के हल के लिए हम उसकी बहुत सारी परिकल्पनाएं निर्मित करते हैं। इस बिंदु पर, इस चरण पर हमको ये देखना है कि उसके जो उस जो समस्या है उसके जो समाधान है उसके लिए जो सबसे उपयुक्त परिकल्पना होगी, और उपयुक्त परिकल्पना वह होगी जो कम से कम समय में अच्छे से अच्छा परिणाम दे सके। तो इस चरण पर हमसे सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन करना है। अगला जो चरण है वह है निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना, यानी कि अब हमने उस परिकल्पना को चयन किया, उसका परीक्षण किया, और परीक्षण करने के बाद हमारे पास निष्कर्ष उपलब्ध हैं, और निष्कर्ष उपलब्ध होंगे फिर उनका हम सामान्यीकरण करेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि हम उसको सामान्य शब्दों में व्याख्यित करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिक विधि का जो अंतिम चरण है वह है सामान्यीकरण की नई परिस्थितियों में प्रयोग। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि आपने किसी समस्या का समाधान किया, उसको उसके निष्कर्ष निकाले, तो हम उस निष्कर्ष को सामान्यीकरण करने के बाद नई परिस्थितियों में प्रयोग करेंगे, और अगर वही निष्कर्ष नई परिस्थितियों में ठीक उसी तरह से सफल रहा तो हम ये मानेंगे कि जो हमने किसी समस्या का समाधान किया था वो सबसे सुव्यवस्थित और सबसे अच्छा जो था उसका समाधान था। पहला चरण, समस्या को अनुभव करना। समस्या को अनुभव करना कि उस समस्या का उद्भव कहाँ से है एवं कैसे है, मतलब वो समस्या कहाँ से आई है, क्यों उत्पन्न हुई है, उसका उद्भव कहाँ से है, यानी कि उसका स्रोत क्या है, और समस्या का प्रकार क्या है, यानी कि समस्या का प्रकार से अर्थ यहाँ अर्थ यह है कि उस समस्या का किस प्रकार से हम समाधान निकाल सकते हैं, उसके बारे में हमें कोई परिकल्पना बनानी है, किस तरह से आंकड़े एकत्र करने हैं इत्यादि। दूसरा जो इसका चरण है वह है समस्या को परिभाषित करना, जिसमें सबसे पहले समस्या की जानकारी होना, यानी उस समस्या के बारे में बताया जाए। समस्या को अर्थपूर्ण बनाना, यानी कि वो जो समस्या है उसको हम अर्थपूर्ण बनाएं जिससे कि वो आसानी से दूसरे लोगों को भी समझ आ सके। इसके बाद इसी बिंदु में है समस्या को समाधान करने योग्य बनाना, यानी कि समस्या इस तरह से हो कि उसका समाधान भी किया जा सके। जो तीसरा इसका चरण है वह है समस्या का विश्लेषण करना, यानी कि समस्याओं से जो संबंधित परिस्थितियाँ वहाँ उत्पन्न हुई हैं उसको हम विश्लेषित करेंगे। कैसे करेंगे? समस्या से संबंधित संकेतों को पहचानना, यानी कि वो समस्या से संबंधित विभिन्न संकेत जो हमारे आसपास मिलते हैं हम उनको पहचानें, विभिन्न संकेतों के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करना, यानी कि वो समस्या जो संकेत दे रही है हमें, जो विभिन्न प्रकार के संकेत दे रही है उनके बीच में आपस में सहसंबंध क्या है, और यही सहसंबंध हमें इस समस्या के समाधान में बहुत जो है सहायता उत्पन्न कराने वाला है। चौथा है आंकड़ों को एकत्र करना। अब उस समस्या से संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे हम, जिसमें आवश्यक एवं संबंधित आंकड़ों की पहचान करना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम उस समस्या के समाधान के लिए वो आंकड़े एकत्र कर रहे हैं जो उससे संबंधित ही नहीं है, हमने अनावश्यक आंकड़े एकत्र किए हुए हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक आवश्यक एवं संबंधित आंकड़ों की पहचान करना होता है। इसी में है आंकड़ों को विधि सम्मत तरीके से एकत्रित करना, यानी कि जो आंकड़ों की जो एकत्रित करने की जो वैज्ञानिक प्रविधियाँ हैं हमारे पास, हमको उस प्रविधि का यहाँ पर प्रयोग करना है। अगला जो इसका चरण है वो है आंकड़ों का अर्थ निकालना।
आंकड़ों या प्रमाणों का व्यवस्थीकरण करना या अनुवाद करना, यानी कि जो आंकड़े हमने एकत्र किए हुए हैं उनको व्यवस्थीकरण करने, उसका अनुवाद करने। या अनुवाद करने से अर्थ यह है कि मान लीजिए कोई चिन्ह हमें मिला है या किसी और हमारे चित्र संबंधी प्रमाण मिला है तो हम उसको अनुवाद करें जिससे कि उसको आसानी से समझा जा सके। और इसी चरण में है आंकड़ों या प्रमाणों का आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकरण करना, यानी कि उनको हम वर्गीकरण करेंगे कौन से आंकड़े किस जगह रखे जाएं, कि किसके साथ कौन से आंकड़े हमको जोड़ना है और उनमें संबंध निकालना है। अगला जो इसका चरण है वह है परिकल्पना का विकास। तो शिक्षार्थियों, परिकल्पना एक वो वाक्य है, वो उद्घोषणा है जिसको कि हमको परीक्षित किया जाने वाला वाक्य है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि परिकल्पना परीक्षित किया जाने वाला एक उद्घोषणा है। तो परिकल्पना के विकास के लिए सबसे पहले समस्या का अनुरूप परिकल्पना का निर्माण करना, यानी कि इस चरण पर हमको समस्या के अनुरूप परिकल्पना का निर्माण करना होगा। दूसरा बिंदु जो इसमें सम्मिलित है वह है परीक्षण करने योग्य परिकल्पना का निर्माण करना। यहाँ विशेष रूप से शिक्षार्थियों ये बात ध्यान देने योग्य है कि हमको परिकल्पना के बनाते समय बहुत ही अधिक सावधानीपूर्ण परिकल्पना का निर्माण करना होगा। अगर किसी कारणवश या किसी अज्ञानतावश हमारी परिकल्पना गलत निर्मित हो जाती है तो निश्चित रूप से हम अपने अपेक्षित परिणामों पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए परिकल्पना का जो विकास है वो बहुत ही सोच समझकर किया जाना आवश्यक है। इसके बाद शिक्षार्थियों, जो अगला बिंदु है वो इस तरह से है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी विधि जो है वो सम्मिलित होगी, साथ होगी हमारे। और इसमें जो हमारे लाभ हैं वैज्ञानिक विधि के, वो लाभ किस तरह से हैं हम उनको देखेंगे। इसमें सबसे पहले है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, दूसरा है तार्किक चिंतन का विकास, तीसरा है अवलोकन की क्षमता का विकास, व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति, विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, निष्कर्षों तक पहुंचने की क्षमता का विकास। तो सबसे पहले देखें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किस तरह से होगा। शिक्षार्थियों, विज्ञान एक सुव्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने की कला है। हम जितना अधिक वैज्ञानिक विधि को प्रयोग करते हैं उतना ही अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करते चले जाते हैं। तार्किक चिंतन का विकास, विज्ञान सदैव से ही तर्क पर आधारित रहा है। जितने ज़्यादा तर्क हम लोग प्रयोग करेंगे उतने ही ज़्यादा वैज्ञानिक होंगे। इसलिए वैज्ञानिक जो हमारा दृष्टिकोण है वो तार्किक चिंतन के विकास में भी हमारी सहायता करता है। अगला जो इसका लाभ है वह है अवलोकन की क्षमता का विकास। इसका अर्थ यह है कि जो अवलोकन करते हैं हम आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए, वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए हम अवलोकन करते हैं, विभिन्न चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, हम चिंतन करते हैं, तो इस तरह से हमारी अवलोकन क्षमता का भी विकास होता है। जो अगला इसका लाभ है वह है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति। विज्ञान तो स्वतः ही एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति की एक प्रक्रिया है, तो इस तरह से जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं तब व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति की ओर भी हम लोग अग्रसर होते हैं। जो अगला लाभ है वह है विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि समाज में आज भी बहुत प्रकार की कुरीतियाँ और अंधविश्वास प्रचलित है, और संभवतः जिसके पीछे कारण ये हो सकता है कि लोग अभी उतना अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोच नहीं पाते हैं। तो जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, हम अपने छात्रों को बताते हैं, शिक्षार्थियों को बताते हैं, तो विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। जो समस्याओं के समाधान में हम वैज्ञानिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, ये सब विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। अगला जो इसका एक लाभ है वह है निष्कर्षों तक पहुँचने की क्षमता का विकास। यानी कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम निष्कर्षों तक पहुँच सकते हैं, आसानी से पहुँच सकते हैं, और इस तरह से हम देख सकते हैं कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम तार्किक चिंतन का विकास कर सकते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम देखेंगे वैज्ञानिक विधि के चरण, जिसमें सबसे पहला चरण है समस्या का अनुभव करना, दूसरा चरण है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा चरण है समस्या का विश्लेषण करना, चौथा चरण आंकड़ों को एकत्र करना, पाँचवा चरण आंकड़ों का अर्थ निकालना, अगला चरण है परिकल्पना का विकास, इससे अगला चरण सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन एवं परीक्षण, इससे अगला चरण है निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना, और जो अंतिम चरण है वह है सामान्यीकरण का नई परिस्थितियों में प्रयोग। तो शिक्षार्थियों, सबसे प्रथम चरण वैज्ञानिक विधि का वह है समस्या को अनुभव करना। इसका अर्थ है समस्या को अनुभव करना कि उस समस्या का उद्भव कहाँ से है एवं कैसे है, समस्या का प्रकार क्या है, यानी कि समस्या को ही यहाँ सर्वप्रथम हमको पहचानना है
कि समस्या जो उत्पन्न हुई है वो किन कारणों से उत्पन्न हुई है और किस तरह से उत्पन्न हुई है, उसका प्रकार कैसा है, यानी कि हम उसको किस तरह से उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। तो ये इस तरह से पहला चरण है। जो दूसरा चरण है इसका, वह है समस्या को परिभाषित करना। इसके अंतर्गत सबसे पहले समस्या की जानकारी होना, समस्या को अर्थपूर्ण बनाना, समस्या को समाधान करने योग्य बनाना, ये सब इस समस्या को परिभाषित करने में सम्मिलित है। जिस अगर हम इसको अच्छे से यहाँ कर पाएंगे तो हमारी समस्या बहुत ही आसान से यानी कि अर्थपूर्ण शब्दों में यहाँ परिभाषित हो जाएगी। अगला जो चरण है वैज्ञानिक विधि का, वह है समस्या का विश्लेषण करना, जिसमें सम्मिलित है समस्या से संबंधित संकेतों को पहचानना, विभिन्न संकेतों के बीच सहसंबंध स्थापित करने का प्रयास करना। शिक्षार्थियों, हर समस्या की जो परिस्थिति उत्पन्न होती है वो कुछ ना कुछ संकेत हमको देती है और ये संकेत ही हमें उसके समाधान की ओर अग्रसर करते हैं। यहाँ आवश्यक ये है कि उस समस्या से संबंधित जो संकेत हैं सर्वप्रथम हम उनको पहचानें और जो विभिन्न प्रकार के संकेत हैं उनके बीच में हम सहसंबंध स्थापित कर सकें, जिससे कि हम उस समस्या के समाधान तक आसानी से या सुविधापूर्ण तरीके से पहुँच सकें। वैज्ञानिक विधि का जो अगला चरण है उसमें आंकड़ों को एकत्रित किया जाता है और जिसमें जो बिंदु हैं वो इस तरह से हैं, आवश्यक एवं संबंधित आंकड़ों की पहचान करना, आंकड़ों को विधि सम्मत तरीके से एकत्र करना, यानी कि हम उससे संबंधित आंकड़े एकत्र करेंगे, आंकड़ों की पहचान करेंगे, ये आंकड़े किस तरह के हैं, कौन से आंकड़े ऐसे हैं जो हमसे संबंधित हैं, कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो अनावश्यक हैं, और उन आंकड़ों को जो एकत्र करने की जो विधियाँ हैं, जो वैज्ञानिक विधियाँ हैं, वो उसी तरह से एकत्र किए जाएँ। अन्यथा ये होगा कि जो आंकड़े हमने एकत्र किए हैं वो हमारे निष्प्रयोज्य हो जाएंगे और वो आगे आने वाले जो समस्या है हमारी उसके समाधान में हमको थोड़ी समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। शिक्षार्थियों, अगला जो चरण है वह है आंकड़ों का अर्थ निकालना, जिसमें सम्मिलित है आंकड़ों या प्रमाणों का व्यवस्थीकरण या अनुवाद करना। दूसरा जो बिंदु सम्मिलित है इसमें आंकड़ों या प्रमाणों के आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकरण करना, यानी कि अब हमने जो आंकड़े एकत्र कर लिए हैं उनको हम व्यवस्थित करेंगे और उनको इस तरह से व्यवस्थित करेंगे कि उनमें एक अर्थ हमको दिखाई देना शुरू हो। अनुवाद करना, शिक्षार्थियों कभी कभी ऐसा होता है कि आंकड़े जो हमारे पास उत्पन्न होते हैं उसको उसमें कुछ संकेत होते हैं, यानी कि कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, कुछ चित्र हो सकता है या कोई और संकेत हो सकता है जिसको सामान्यतः हर आदमी नहीं समझ सकता। इसलिए अगर ऐसा कोई आंकड़े हमारे पास हैं तो हम उनको अनुवाद कर दें। अनुवाद करने से यहाँ ये आसानी होगी कि जो भी इस समस्या के समाधान में लगे हुए लोग होंगे उनको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और आंकड़ों या प्रमाणों का आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकरण करना का अर्थ यह है कि जो आंकड़ों के प्रकार हैं उसके आधार पर हम उनका वर्गीकरण कर दें, जिससे कि हमें जो भी आवश्यकता अनुसरूप हमें सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करना है या कोई भी विधियों का प्रयोग करना है उसमें हमें बहुत ही सुविधा रहे। अगला चरण परिकल्पना का विकास, जो कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें पहला बिंदु है समस्या का के अनुरूप परिकल्पना का निर्माण करना और दूसरा बिंदु है परीक्षण करने के योग्य परिकल्पना का निर्माण करना। शिक्षार्थियों, वास्तव में परिकल्पना एक प्रश्न होता है जिसको कि हम परीक्षित करते हैं, यानी कि अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर कि परिकल्पना जो है वो परीक्षित किया जाने वाला वाक्य है तो वो गलत ना होगा। हम पहले से किसी न किसी चीज़ की परिकल्पना बनाते हैं। इस बिंदु में हमको ये समझना है कि जो हमारी परिकल्पना है वो समस्या के अनुरूप हो, यानी कि जैसी हमारी समस्या हो हम उसी के अनुरूप परिकल्पना का निर्माण करें। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, परीक्षण करने योग्य परिकल्पना का निर्माण करना। इसका अर्थ यह है कि परिकल्पना ऐसी ना बना ली जाए जिसका हम परीक्षण ही ना कर पाएँ। अगर आप परीक्षण ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसके अर्थ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है परिकल्पना का विकास करना। अगला जो चरण है वह है सबसे अधिक उपयुक्त परिकल्पना का चयन एवं परीक्षण। इसका अर्थ यह है शिक्षार्थियों कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी एक समस्या के लिए कई विकल्प या हम कहें परिकल्पनाओं का निर्माण करना होता है, यानी कि इसको अगर मैं सामान्य अर्थों में कहूँ कि आपकी किसी एक समस्या के समाधान के हमारे की समस्या के समाधान के लिए हमारे पास कई विकल्प होते हैं और उसमें से सबसे उपयुक्त विकल्प को हमको चुनना होता है। ठीक उसी तरह से वैज्ञानिक विधि में जो समस्या के समाधान के लिए विभिन्न परिकल्पनाएँ बनाई गई हैं उसमें सबसे उपयुक्त परिकल्पना का चयन हमको करना है। ये उपयुक्त परिकल्पना का चयन हम समय, धन और अपनी शक्ति के चयन के आधार पर, यानी कि कम से कम धन में, कम से कम शक्ति में और कम से कम समय में सबसे अच्छा जो समाधान हमको दे सकती है परिकल्पना, हमको उसका चयन यहाँ पर करना होगा। इसके बाद जो अगला बिंदु है वह है निष्कर्ष निकालना और सामान्यीकरण करना, जिसमें सम्मिलित है संबंध स्थापित करना, समानताओं और असमानताओं को पहचानना, रिवाजों या क्रमों को पहचानना, यानी कि अब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं।
सबसे पहले इसमें होगा कि हम संबंध स्थापित करें, यानी कि पहले जो भी हमारे पास निष्कर्ष निकले हैं उन निष्कर्षों को आपस में हम स्थापित करें, संबंध स्थापित करें कि इस निष्कर्ष से ये निष्कर्ष हमारा संबंधित है या इस प्रक्रिया से ये प्रक्रिया हमारी संबंधित है। समानताओं और असमानताओं को पहचानेंगे कि ये वाली जो प्रक्रिया है ये इससे संबंधित नहीं है, ये प्रक्रिया इससे संबंधित है। इस तरह से समानताओं और असमानताओं को भी हम पहचानेंगे और लिखेंगे भी उनको। और इसके बाद रिवाजों या क्रमों को पहचाना, यानी कि एक जो उसमें छुपा हुआ क्रम है, उस सब में क्रम है, हम उसको भी यहाँ पर पहचानेंगे। और सामान्यीकरण करना, सामान्यीकरण का अर्थ ये है कि जो निष्कर्ष निकाला है उसको हमको बहुत ही सामान्य आदमी की भाषा में, सामान्य आदमी की भाषा में हमको लिखना है और उसको समझाना है। क्योंकि अगर आपने उसको एक बहुत ही विशिष्ट शैली में लिखा है या विशिष्ट क्रम में लिखा है तो संभवतः एक सामान्य आदमी के लिए ये जो निष्कर्ष हैं ये उसको समझ ना आए। जो इसका अगला बिंदु है वह है सामान्यीकरण का नई परिस्थितियों में प्रयोग। इसमें जो बिंदु हैं वो इस तरह से हैं, निष्कर्षों का सामान्यीकरण करना, नए प्रमाणों के अनुसार पुनः परीक्षण करना, प्राप्त निष्कर्षों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना। सबसे पहला निष्कर्षों का सामान्यीकरण का, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निष्कर्षों का सामान्यीकरण करेंगे। दूसरा जो है नए प्रमाणों के अनुसार पुनः परीक्षण करना, यानी कि अब उसी परिस्थिति में जो प्रमाण हमने एकत्र किए हैं हम कुछ अन्य तरीके के प्रमाण, लेकिन ध्यान रहे समान हों, अन्य तो हों लेकिन समान हों, और इस तरह से नए प्रमाणों के साथ हम उनका पुनः परीक्षण करेंगे। परीक्षण करने का जो यहाँ एक आवश्यकता है वो इसलिए है कि ऐसा ना हो कि जो हमारे निष्कर्ष निकले हैं वो किसी खास परिवर्तन की या किसी खास चर की वजह से हों। अगर हम उनको बार बार नए प्रमाणों के साथ परीक्षित करते हैं तो हमारा जो सामान्यीकरण है वो बहुत ही स्थापित हो जाएगा। प्राप्त निष्कर्षों को नई परिस्थितियों में प्रयोग करना, इसका अर्थ है कि जो निष्कर्ष निकाले जा चुके हैं उनको हम नई परिस्थितियों में प्रयोग करें, जिससे कि उनका जो स्थापतीकरण है यानी कि उनका सामान्यीकरण है वो हमको मिल सके। तो इस तरह से ये 9 चरण हैं जिसमें हम पूरी की पूरी वैज्ञानिक विधि को देखते हैं। अगला जो वैज्ञानिक विधि के लाभ हैं, अब हम जो चर्चा करेंगे वो वैज्ञानिक विधि के लाभ पर करेंगे, जिसमें सबसे पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। शिक्षार्थी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? दैनिक जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आसपास, प्रकृति में जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आसपास, जो हमको दिखाई दे रही हैं, उनको वैज्ञानिक विधियों से देखना और वैज्ञानिक विधियों से उनका अवलोकन करना और निष्कर्ष पर पहुँचना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। वैज्ञानिक विधि का हम जितना प्रयोग करते हैं, जितना विज्ञान को प्रयोग करते हैं, हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उतना ही विकसित हो जाता है। और विज्ञान शिक्षण का तो जो प्रमुख उद्देश्य है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास ही है। अगला जो लाभ है वो है तार्किक चिंतन का विकास। विज्ञान तर्क आधारित है, विज्ञान तर्क आधारित है, इसका अर्थ यह है कि विज्ञान तर्क पर चलता है। आप तर्क प्रस्तुत करें, तर्कों का परीक्षण किया जाएगा और इस तरह से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को स्थापित करेंगे। अवलोकन की क्षमता का विकास, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए अवलोकन की क्षमता का विकास करते हैं। हम देखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, जैसे अभी मैंने पीछे बताया आपको कि हम विभिन्न प्रकार के आंकड़ों को एकत्र करते हैं, तो हमारी अवलोकन क्षमता का विकास भी होता रहता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अवलोकन करते समय किसी भी तरीके के पक्षपात का प्रयोग ना करें। जो अगला लाभ है वह है व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति। तो शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान स्वयं में व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है। इसकी परिभाषा में ही कहा जाता है कि विज्ञान व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति का एक साधन है या प्रक्रिया है। तो इस प्रकार से जब हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं तो हम ज्ञान को व्यवस्थित भी करते हैं और उसकी क्रमबद्ध प्राप्ति भी करते हैं। तो एक सबसे अच्छा लाभ है इसका कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसमें क्रम रहता है, एक व्यवस्था रहती है। जो अगला लाभ है वह है विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज भी समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ और बहुत सारे अंधविश्वास प्रचलित हैं, और संभवतः इनका एक कारण यह हो सकता है कि उस अंधविश्वास तक विज्ञान नहीं पहुंचा है। तो जैसे जैसे हम विज्ञान का प्रयोग करते हैं, जैसे जैसे हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं, उस तरह वो अंधविश्वास जो है इस विज्ञान की सहायता से हटाया जा सकता है। और जैसे जैसे इस अंधविश्वास को हम दूर करते चले जाते हैं, हमारे मन में, शिक्षार्थियों के मन में, हमारे छात्रों के मन में, समाज के लिए विज्ञान के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता चला जाता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण लाभ है ये विज्ञान शिक्षण का कि समाज में, व्यक्ति में विज्ञान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। जो इसका अन्य लाभ है वह है निष्कर्षों तक पहुंचने की क्षमता का विकास। इसका अर्थ यह है कि आप निष्कर्षों तक पहुंचने की क्षमता का विकास कर लेते हैं। सबसे पहले आपने समस्या का अनुभव किया, समस्या का अर्थ निकाला, समस्या के अर्थ के लिए उसका स्वरूप समझा, आपने परिकल्पना का निर्माण किया, आपने आंकड़ों को इकट्ठा किया, आंकड़ों को व्यवस्थित किया, आंकड़ों का अर्थ निकाला, उनका अनुवाद किया, उनका सामान्यीकरण किया और
निष्कर्ष तक पहुँचे। तो इस तरह से जब हम वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं तो हम हमारे अंदर एक निष्कर्षों तक पहुँचने की क्षमता का विकास होता चला जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा छात्रों कि वैज्ञानिक विधि जो है हमारे विज्ञान शिक्षण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसकी सहायता से हम छात्रों के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर सकते हैं, समाज में प्रचलित अंधविश्वास या कुरीतियाँ हैं उनको भी दूर कर सकते हैं। इसलिए विज्ञान शिक्षण हमारी शिक्षण व्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।